नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजो नारायण। 9/11 वो तारीख जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। मुट्ठी भर आतंकियों ने सदी के सबसे ताकतवर मुल्क के सीने पर चढ़कर कोहराम की दास्तान लिखी। ऐसी दर्दनाक दास्तान की आज 20 साल बाद भी उसके दिए जख्मों की शिनाख्त हो रही है। हमले के गुनहगार अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने उसके अंजाम तक भी पहुंचा दिया, लेकिन दर्द और सवाल हैं कि आज भी हरे हैं। आज भी सवाल उठते हैं कि क्या यह हमला अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की आपसी रसाकसी के चलते हुआ। आज भी सवाल उठते हैं कि क्या यह हमला तत्कालीन बुश प्रशासन की नाकामी थी। आज भी सवाल उठते हैं कि बाहर से आए 19 आतंकियों ने कैसे अमेरिका में घुसकर उसके ही 4 विमानों को हाईजैक कर दुनिया की सबसे सुरक्षित गगनचुंबी इमारतों को ध्वस्त कर दिया, धुआं धुआं कर दिया। और भी कई सवाल हैं, साजिशों को लेकर भी दुनिया भर में चर्चा हुई है और उनके जवाब भी वक्त के साथ साथ आते रहते हैं। तो बहरहाल अब आपको बताते हैं कि साल 2001 में 11 सितंबर को यह हमला कैसे हुआ और हमले के बाद आतंकवाद पर कैसे चोट की गई और क्या वॉर ऑन टेरर का मकसद पूरा हुआ। ऐसे तमाम सवाल हैं जो आने वाली आप रिपोर्ट में देखेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे दूं कि 20 साल इस हमले के हो चुके हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अमेरिका में क्या कुछ बदला है। अमेरिका ने 20 साल पहले एक रणनीति अपनाई थी इस हमले के बाद कि जितने भी आतंकी संगठन हैं और जितने भी ऐसे देश हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं उनके खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा। ये मोर्चा वर्ल्ड लेवल पर खोला गया, लेकिन उसका कितना फायदा अमेरिका को हुआ ये लगातार हम समझ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। जिस तरह से 20 साल बाद भी अमेरिका जो है पूरी तरह से सशक्त नजर नहीं आ रहा है, उसकी शक्तिशाली पर लगातार आवाज उठाई जा रही है और कई यहां पर पॉइंट्स भी गिनाए जा रहे हैं। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नौ ग्यारह की वो तारीख जिसने बदला था दुनिया का इतिहास। मुट्ठी भर आतंकवादियों ने ताकतवर मुल्क में मचाया था कोहराम। बीस साल बाद भी उसके दिए जख्मों की हो रही शिनाख्त। उन्नीस आतंकियों ने अमेरिका में घुसकर विमानों को किया था हाईजैक। 11 सितंबर 2001 अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर पर अमेरिकन एयरलाइंस का विमान 11 टकराया। इससे ठीक 16 मिनट बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर पर यूनाइटेड एयरलाइंस का विमान 175 टकराया। इस तरह दो विमानों के टकराने के बाद WTC की आसमान छूती इमारत जमींदोज हो गई। टीवी और रेडियो पर इन तबाही की तस्वीरों को प्रसारित किया ही जा रहा था कि अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 77 ने वर्जीनिया में पेंटागन को निशाना बनाया और यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के शक्सविले में एक खेत में जाकर गिरी। इस तरह अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमानों को हाईजैक कर अमेरिका को दहला दिया। इन आत्मघाती हमलावरों ने करीब 3000 लोगों की जान ले ली और खुद भी राख हो गए। इनमें से 17 आतंकी वो थे जिनका वास्ता अलग अलग खाड़ी देशों से था। इसमें से ज्यादातर ऐसे थे जिन्हें इंग्लिश तक नहीं बोलनी आती थी। कैसे किया हमला? हानी हुंजूर और नवल अल हाजमी नाम के दो आतंकी हमले से काफी पहले ही अमेरिका पहुंच गए थे। हुंजूर ने यहां प्लेन भी किराए पर लिए और उड़ाने की प्रैक्टिस की। एक बार वो प्लेन उड़ाता हुआ हुडसन नदी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से भी गुजरा, जबकि अलहाजमी वैन में लगातार कार किराए पर लेता रहा। इन दोनों आतंकियों ने किसी भी फेक आईडी का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही ये लोग अंडरग्राउंड रहे,
बल्कि अमेरिका में एक आम शहरी की तरह ही रहते रहे। ये दोनों ही नहीं, सभी 19 आतंकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अमेरिका में दाखिल हुए थे। उनके वीजा भी वैध थे। हालांकि इन आतंकियों को मोहम्मद अता लीड कर रहा था, लेकिन इनमें से दो आतंकी ऐसे भी थे जो अमेरिका एजेंसी के रडार पर थे। CIA को पता था कि अल हाजमी और खालिद अल मिदहार अलकायदा के ऑपरेटिव्स हैं। CIA ने इन दोनों को मिडिल ईस्ट से मलेशिया और मलेशिया से थाईलैंड और वहां से लॉस एंजलिस तक ट्रैक किया, लेकिन CIA ने इसकी जानकारी FBI को नहीं दी। ऐसा तब किया गया जब अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन की धमकी का भी सबको अंदाजा था। अमेरिकी एजेंसियों को ये पता था कि मलेशिया में 5 जनवरी 2000 को हुई मीटिंग में हमले का मंसूबा बनाया गया है। FBI के कई स्पेशल एजेंट्स आज भी सवाल उठाते हैं कि आखिर CIA ने FBI से वो जानकारी साझा क्यों नहीं की। CIA ने क्यों नहीं शेयर की जानकारी? CIA ने इस जानकारी को टॉप सीक्रेट बनाकर अपने पास ही रखा और FBI से साझा नहीं किया। मार्क रोसिनी ने बताया कि CIA के ऑफिसर ने उन्हें कहा था कि अल हाजमी और अल मिदहार का आना अमेरिका पर हमले का संकेत नहीं है, बल्कि ये डाइवर्ट करने के लिए किया गया है। CIA को यकीन था कि अलकायदा अलग हमला साउथ ईस्ट एशिया में करेगा। CIA की मंशा ये भी थी कि इन दोनों के जरिए अलकायदा के नेटवर्क का पता लगाया जाए, मगर ये दाव उल्टा पड़ गया। हालांकि CIA ने हमले से कुछ दिन पहले इन दोनों आतंकियों की जानकारी FBI को दी थी, लेकिन तब तक शायद काफी देर हो चुकी थी। FBI के पूर्व स्पेशल एजेंट अली एच सुफान भी 9/11 अटैक को एजेंसियों की नाकामी मानते हैं। अली ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जिस वक्त ये हमला हुआ था तब वो यमन में थे और उन्होंने जैसे ही ये खबर सुनी उन्हें यकीन था कि ये अलकायदा ने ही किया है। अली ने बताया कि अगर समय पर हमारे साथ वो इनपुट साझा किया गया होता तो हालात कुछ और ही होते। 9/11 हमला और साजिशें। इस हमले से जुड़ी साजिश की कहानियां लंबे समय से चली आ रही हैं। ये भी कहानी सामने आई है कि विमान टकराने से दोनों टावर इतनी जल्दी क्यों गिर गए और कहा गया कि टावरों को बहुत ही नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया था। कुछ खबरों की माने तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें बताया गया कि विमानों के टकराने से पिलर टूट गए थे। साथ ही विमानों से जो करीब 10,000 गैलन तेल निकला था वो वहां फैल गया और आग लगती चली गई। बिल्डिंग के अंदर का तापमान बढ़ गया, लोहों की छड़ें झुकने लगी और इस वजह से धमाकों की आवाज सुनाई दी। इस बात पर भी सवाल उठे कि कैसे सिर्फ चाकू और बॉक्स कटर की मदद से 19 आतंकियों ने एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को पार करते हुए 4 विमानों को हाईजैक कर लिया और फिर करीब 1.5 घंटे के अंदर ही अमेरिका के सीने पर करारा प्रहार किया। धमाके में इजराइल और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी कई किस्म की साजिश की कहानियां हैं। इस पर इजराइल समेत दुनिया के मीडिया में भी रिपोर्ट होती रही है। यहूदी विरोधी विचारधारा और साजिशों को दुनिया के सामने लाने का काम करने वाले संगठन ADL ने भी इस पर मामले में अपनी एक रिपोर्ट जारी की। ADL.organization पर उपलब्ध इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस हमले में जुड़ी किस किस तरह की कहानियां प्रसारित की गई हैं। WC में काम करने वाली करीब 4,000 इजरायली लोगों को गुप्त तौर पर ये बता दिया गया था कि 11 सितंबर को वो अपनी ड्यूटी पर ना जाएं। यही वजह है कि WTC पर हमले में एक भी इजरायली या अमेरिकन यहूदी की ना तो मौत हुई और ना ही वो लापता हुए। ADL की रिपोर्ट में उदाहरण दिया गया कि कैसे इजरायल और यहूदियों के खिलाफ साजिश रची गई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इजरायल खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस हमले को अंजाम दिया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस तरह की तमाम कहानियां फॉर राइट, चरमपंथी, मुस्लिम और अरब दुष्प्रचारकों की तरफ से फैलाई गई। लेकिन इन तमाम कहानियों के बावजूद इजराइल की ताकत में कोई कमी नहीं आई। हमले के बाद अमेरिका ने क्या किया? 9/11 हमले के 9 दिन बाद 20 सितंबर 2011 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने आतंक के खिलाफ युद्ध यानी वॉर ऑन टेरर का ऐलान किया। बुश ने कहा कि आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई अलकायदा से शुरू होती है, लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होगी। ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक दुनिया में हर आतंकी संगठन का पता नहीं लगा लिया जाता, उन्हें रोका नहीं जाता और उन्हें हराया नहीं जाता।
बुश ने आतंक के खिलाफ लड़ाई का प्रण लिया और अमेरिकी सेना एक्शन में आ गई। अक्टूबर 2001 में ही अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में घुस गई और अलकायदा के नेटवर्क को बर्बाद करना शुरू कर दिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि अलकायदा के ट्रेनिंग कैंप्स को तबाह किया गया, उसके फंडिंग नेटवर्क को तोड़ा गया, अफगानिस्तान से तालिबान को हटाकर वहां अलकायदा को कमजोर किया गया और आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 136 मुल्कों ने अमेरिका को सैन्य सहायता का ऑफर दिया, 142 देशों ने आतंकियों की संपत्ति फ्री कर दी। अकेले अमेरिका में 153 ज्ञात आतंकियों और आतंकी समूहों की आर्थिक कमर तोड़ी गई। बुश ने व्हाइट हाउस में क्यों रखी तार पार्टी? 9/11 आतंकी हमले से मुसलमानों के सामने पहचान का संकट भी नजर आया। अमेरिका में ही वहाँ रह रहे मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ा, शक की निगाह से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि काफी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, कुछ बेकसूरों को भी इसका दंश झेलना पड़ा। पूरी दुनिया में इस पर चर्चा हुई, फिल्में भी बनी। भारत में भी शाहरुख खान की फिल्म माई नेम इज खान बनी है, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि नाम या पहचान से हर कोई आतंकी नहीं होता। यहाँ तक कि अमेरिकी सरकार की तरफ से भी भरोसा कायम करने की कोशिश की गई। बुश ने व्हाइट हाउस में पहली बार रमजान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और ईद मिलन समारोह भी यहाँ किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। 20 साल बाद तालिबान लौटा और अमेरिका को सीधे तौर पर डेडलाइन दी कि वो 31 अगस्त तक अपनी सेना वापस बुला ले, जिसके एक दिन पहले ही सेना ने वापसी कर ली। तो क्या इससे ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की शक्ति कम हुई है? और ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या 9/11 जैसे हमले से अमेरिका ने कुछ सीखा है? हमले से अमेरिका ने क्या सीखा? इस लड़ाई में अमेरिका को क्या हासिल हुआ? क्या पहले की तुलना में कमजोर हुई अमेरिकी शक्ति? अमेरिका ने अपने जिद में अफगानिस्तान को झोंक दिया। काबुल हवाई अड्डे से सैनिकों की वापसी ने उत्तर कोरिया और वियतनाम में अमेरिका की हार की यादें ताजा कर दी। समान पॉइंट ये है कि अमेरिका ने न्याय के बैनर तले एक अन्यायपूर्ण युद्ध शुरू किया और फिर युद्ध के मैदान से सैनिकों की वापसी करना पड़ा। जब इसे बनाए रखना मुश्किल था, तो 9/11 आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद विरोधी के नाम पर अफगानिस्तान में युद्ध शुरू किया और वहाँ एक अमेरिकी समर्थक शासन भी खड़ा कर दिया। लेकिन 20 साल बाद जब अमेरिका को इस अजीब भूमि से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो आतंकवाद विरोधी अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक परिवर्तन का कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। बेहद मजबूत रहे हैं अमेरिका के खिलाफ किए गए पलटवार। दुनिया में अभी भी हर दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं और अफगानिस्तान भी अपने मूल राज्य में वापस आ गया है। इतिहास में हम पा सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकों द्वारा किए गए तथाकथित लोकतांत्रिक परिवर्तन, जैसे कि पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी प्रांत सभी अमेरिकी सैन्य छत्र के तहत ही किए गए थे। बल के रखरखाव के बिना इन स्थानों में लोकतांत्रिक व्यवस्था वास्तव में एक दिन के लिए नहीं चलेगी। अमेरिकी अपने भगवान के चुने हुए लोगों के तथाकथित विदेश मिशन के बारे में अंधविश्वासी हैं और युद्ध के माध्यम से दुनिया पर अपनी इच्छा थोपते हैं। अलग सभ्यता के साथ व्यवहार करते समय अमेरिका हमेशा क्रूर और सख्त रहा है, पर अमेरिका के खिलाफ किए गए पलटवार भी स्वाभाविक रूप से बेहद मजबूत रहे और 9/11 आतंकवादी हमले वास्तव में ऐसे हुए थे। उत्पीड़न के तले सभ्यता को स्वाभाविक रूप से दुश्मन का विरोध करना चाहती थी और उसे हर संभव तरीके से जवाबी प्रहार करना होगा, भले ही प्रतिरोध का तरीका सभ्य हो या नहीं। हम सामान्य भाग्य वाले समुदाय में रहते हैं और जब विभिन्न विचारों और मॉडलों के साथ व्यवहार करते हैं, तो अलग सभ्य के प्रति बल के उपयोग के बजाय परामर्श के माध्यम से ही सहमति प्राप्त की जानी चाहिए। जैसा कि मई 2019 में पेचिंग में आयोजित एशियाई सभ्यता संवाद सम्मेलन में सम्पन्न आम सहमति में कहा जाता है, केवल समान संवाद, आदान प्रदान
और आपसी सीखने से विभिन्न सभ्यताओं के बीच पारस्परिक ज्ञान के माध्यम से दुनिया का उज्ज्वल भविष्य हो जाता है। लेकिन अमेरिकी जिस सिद्धांत का अनुसरण करते हैं वो ये है कि केवल उनकी तथाकथित ईश्वर की इच्छा ही उत्तम मानक है, जिसका सारी दुनिया को पालन करना चाहिए, और केवल उनका लोकतांत्रिक मॉडल ही सार्वभौमिक मूल्य है जिसका सभी देशों को पालन करना चाहिए। इस आधिपत्य के तर्क के अनुसार अमेरिका ने बार बार सैन्य हमले बोल दिए हैं और स्वाभाविक रूप से उसे बार बार सैन्य हार के परिणाम लेना पड़ा है। पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई अमेरिका की शक्ति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व शक्ति के शिखर पर चढ़ गया। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार दुनिया के आधे हिस्से के लिए जिम्मेदार थी। शिखर की ताकत ने अमेरिकों को पागलपन का भ्रम पैदा कर दिया, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी प्रणाली, संस्कृति और जीवन शैली दुनिया के लिए उच्चतम मॉडल है और पूरी दुनिया को इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन 9/11 घटना ने इस भ्रम को बुझा दिया कि अमेरिका दुनिया पर हावी होना चाहता है, और अमेरिकियों ने अफगानिस्तान में एक नए वियतनाम युद्ध में निवेश किया। लेकिन 20 वर्षों के निरर्थक प्रयासों के बाद भी लोगों को यह संदेह है कि क्या अमेरिकियों ने इस बात पर महसूस किया है, यानी बल के माध्यम से अन्य सभ्यताओं को सिर झुकाए नहीं जा सकता। हालांकि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में एक लोकतांत्रिक किले की स्थापना में भारी निवेश किया, तब दुनिया के अन्य हिस्से फल फूल रहे थे, और जब अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान में सैनिक वापसी शुरू की तो उसने सामने की दुनिया भी बदल दी और अमेरिका की शक्ति भी पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई। अमेरिकी लोग वास्तव में चिंतनशील हैं, तो उन्हें ये महसूस करना चाहिए कि 9/11 आतंकवादी हमलों से लेकर अफगानिस्तान में सैनिक वापसी तक अमेरिका की अपनी अक्षमता दिखाने का वास्तविक कारण ठीक यही है कि उसका दुनिया के साथ व्यवहार करने का ढंग गलत है। दूसरे देशों और सभ्यताओं के साथ केवल शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांत तले रह सकते हैं। अन्य लोगों को दबाने के लिए बल पर निर्भर रहने से अपरिहार्य विफलता होगी। अमेरिका ने चीन के खिलाफ टकराव करने की हरकत शुरू की। विभिन्न मॉडलों के साथ व्यवहार करते समय समानता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों को अपनाया जाना चाहिए। ये मानव जाति द्वारा दर्दनाक ऐतिहासिक पाठों के माध्यम से निकाला गया निष्कर्ष है, और ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर में स्पष्ट रूप से लिखी गई भावना भी है। इसी ढांचे के तहत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े देशों के बीच शांति बनाए रखने की नींव है। अगर अमेरिका अभी भी वर्चस्ववादी सोच पर जोर देता है कि केवल उसका अपना मॉडल ही एकमात्र विकल्प है, तो उसका नया नुकसान खाना अपरिहार्य होगा। इधर के वर्षों में अमेरिका ने चीन के खिलाफ टकराव करने की हरकत शुरू कर दी, और इसका कहना है कि चीन का सत्तावादी मॉडल पश्चिमी लोकतांत्रिक के लिए खतरा है। ऐसा करने से दुनिया को और अधिक खतरनाक बनाया जा सकता है और पूरे विश्व की समृद्धि का त्याग किया जाएगा। प्रत्येक सभ्यता का अपना विकास तर्क होता है, और बाहरी ताकतों को मजबूत करने से केवल बुरे परिणाम होंगे। यदि अमेरिका अपनी अभिमानी मानसिकता को नहीं बदलता है और हमेशा दुनिया के नजरिए से अपने से अलग मॉडल को देखता है, तो इसे और अधिक झटके लग सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आज 9/11 के आतंकी हमले को 20 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबानियों के आने के बाद से दुनिया में 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। तालिबान के आने के बाद सबसे ज्यादा खतरा ब्रिटेन को हो सकता है, क्योंकि अब नाटो की सेना भी अफगानिस्तान से जा चुकी है। रिपोर्ट देखिए। फिर हो सकते हैं 9/11 जैसे आतंकी हमले। नाटो की सेना की वापसी से ब्रिटेन को खतरा। 20 साल बाद ब्रिटेन में आतंकी हमले ज्यादा बढ़े। तालिबान कर रहा क्रूरता की हद पार। 9/11 हमले के 20 साल बाद ब्रिटेन में आतंकी हमले ज्यादा बढ़े हैं। फर्क इतना है कि अब छोटे स्तर पर ऐसे हमले होते दिख रहे हैं, लेकिन चाकू बंदूक के दम पर दहशतगर्द आतंकी गतिविधियों को अंजाम लगातार दे रहे हैं। अमेरिका में आतंकी हमलों के बाद अलकायदा के दहशतगर्द अफगानिस्तान में सुकून से घूम रहे थे, वे एक बार फिर से खड़े हो सकते हैं।
तालिबान को अपने दावों के मुताबिक ऐसे संगठनों को रोकना होगा। तालिबान को चीन, पाकिस्तान समेत 6 देशों ने समावेशी सरकार बनाने को कहा। अफगानिस्तान के 6 पड़ोसी देशों चीन, ईरान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। अफगानिस्तान के एक न्यूज चैनल ने बताया कि इन देशों ने तालिबानी नेताओं से एक समावेशी सरकार बनाने और आईएसआईएस, अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को पैर जमाने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। तालिबान ने की पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहले के भाई की हत्या। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहले के बड़े भाई रोहुल्लाह साहले की हत्या कर दी। तालिबान सूत्रों ने दावा किया है कि रोहुल्लाह साहले को पंजशीर घाटी में ही मौत के घाट उतार दिया गया। सूत्रों ने बताया कि रोहुल्लाह को तालिबानियों ने यातनाएं देने के बाद हत्या कर दी। तालिबानियों ने साहले को पहले कोड़ों और बिजली के तारों से पीटा, उसके बाद गला रेत दिया, बाद में तड़पते साहले पर दनादन गोलियां बरसा दी। बताया जा रहा है कि रोहुल्लाह साहले पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में थे। तालिबानियों को ऐसी खबर लगी, उन्होंने साहले को घेराबंदी उन्होंने साले को घेरकर बंदी बना लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। हालांकि खुद अमरुल्लाह साले ने अब तक इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन तालिबान ये कह रहा है कि अमरुल्लाह साले के भाई की हत्या करती है। तालिबान ने शव देने से इनकार किया। कुछ खबरों की माने तो रोहुल्लाह अजीजी के भतीजे इबादुल्लाह साले ने बताया है कि उन्होंने मेरे चाचा को मार डाला। तालिबानियों ने गुरुवार को ही उन्हें मार दिया था। जब उसका शव मांगा गया तो तालिबानियों ने देने से इनकार कर दिया। तालिबानियों ने कहा कि हम उसे दफनाने नहीं देंगे, उसका शरीर सड़ जाना चाहिए। तालिबान सूचना सेवा अलेम राह के मुताबिक पंजशीर में लड़ाई के दौरान रोहिल्लाह साले मारा गया था। क्रूरता की हद देखिए कि हत्या करने के बाद शव भी परिवार को नहीं दिया जा रहा। गनी के देश छोड़ने के बाद साहले ने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए। इसके बाद उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साहले ने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर दिया। साथ ही उन्होंने पंजशीर के लड़ाकों के साथ मिलकर नेशनल रेजिडेंस फोर्स के बैनर तले तालिबान के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। तालिबान ने कुछ दिनों पहले पंजशीर पर जीत का दावा किया था। उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना के समर्थन से पंजशीर के 2 बड़े नेताओं को मार दिया। तालिबान ने नॉर्दर्न अलायंस के कमांडरों और विद्रोही के प्रवक्ता फहीम दहशती और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले जनरल अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल वदूद की हत्या कर दी थी। तालिबान ने पंजशीर के उस जगह की तस्वीर भी जारी की जहाँ से कुछ दिनों पहले पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह साहले ने वीडियो जारी किया था। अमरुल्लाह साहले ने तब एक वीडियो जारी कर तालिबान के दावों का खंडन करते हुए कहा था कि वे पंजशीर में ही मौजूद हैं और मरते दम तक यहीं रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन थम नहीं रहे। ऐसे में विरोध को दबाने के लिए तालिबान दरिंदगी दिखा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबान हिंसक तरीके अपना रहा है, उन्हें हथियारों और कोड़ों से पीटा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के मुताबिक तालिबानी क्रूरता के शिकार 4 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र की राजदूत देबोरा लॉरेंस ने कहा है कि अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के स्टाफ को तालिबान प्रताड़ित कर रहा है और उन्हें डरा धमका रहा है। अगर स्टाफ को अपनी जान जाने का डर होगा तो वे अफगानिस्तान की जनता के लिए जरूरी काम नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल राशिद दोस्तम के काबुल स्थित महल पर तालिबान ने कब्जा जमा लिया है। यहाँ 150 तालिबानी तमाम सुख सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। उनका कहना है कि दोस्तम पिशाच थे जिन्होंने अफगानी जनता के खून से ये घर बनाया था। अफगानिस्तान की जनता के पास खाने को कुछ नहीं था और दोस्तम ने महल बना लिया। काबुल एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू। काबुल एयरपोर्ट से अमेरिकी सैनिकों के हटने और तालिबान के कब्जे के बाद पहली इंटरनेशनल फ्लाइट ने गुरुवार को उड़ान भरी। कतर एयरवेज की फ्लाइट से 200 लोगों को कतर की राजधानी दोहा पहुंचाया गया।
इन लोगों में अमेरिकी भी शामिल थे। बता दें कि 31 अगस्त को अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट तालिबान के हवाले कर दिया था। इसके बाद काबुल एयरपोर्ट से उड़ानों पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से शुरू कर दी गई है। अफगानिस्तान में अपने अधिकारों और नई सरकार में अपनी भागीदारी के लिए तालिबान से लड़ रही महिलाओं का प्रदर्शन तेज है। महिलाओं का प्रदर्शन काबुल से बढ़कर उत्तर पूर्वी प्रांत बदखाशा पहुंचा है। वहां भी कई महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। इस बीच तालिबान ने महिलाओं को लेकर बेतुका बयान दिया। तालिबानी प्रवक्ता सैयद जकीरुल्लाह हाशमी ने कहा कि एक महिला मंत्री नहीं बन सकती। महिलाओं के लिए कैबिनेट में होना जरूरी नहीं, उन्हें बच्चे पैदा करना चाहिए, उनका यही काम है। महिला प्रदर्शनकारी अफगानिस्तान की सभी महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर रही हैं। अफगानी हीरो के मकबरे में तोड़फोड़। जेपेक्स तालिबान ने गुरुवार को पंजशीर की राजधानी बाजरख में उत्पात मचाते हुए अफगानिस्तान के हीरो अहमद शाह मसूद के मकबरे में तोड़फोड़ कर दी। बता दें कि गुरुवार को ही मसूद की 20वीं बरसी थी। अमेरिका में 9/11 हमले के ठीक दो दिन पहले यानी कि 9 सितंबर 2001 को अलकायदा ने मसूद की हत्या की थी। अमेरिका को मजबूरी में अपने विमान अफगानिस्तान में छोड़ने पड़े हैं, लेकिन अमेरिकी सैनिक इन विमानों को निष्क्रिय कर गए। ऐसे में तालिबानी इन विमानों को उड़ा तो नहीं पा रहे, लेकिन उन पर झूला झूलते जरूर नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि इसकी लोकेशन का पता नहीं चल पाया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9/11 आतंकी हमले के बाद से 20 साल बाद एक बार फिर से तालिबान पूरी तरह से आजाद है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। अलकायदा आईएस जैसे आतंकी संगठन लगातार पैर पसार रख सकते हैं, तो ऐसे में ब्रिटेन खौफजदा है कि आने वाले समय में 9/11 जैसे हमले दोबारा हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉल इंडिया। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज वॉल इंडिया के साथ। नमस्कार।